एर, आवाज का पैटर्न बेन टेनिसन से मैच नहीं करता। तो यार इससे पिछली वाली वीडियो में हमने बात की थी ओमनीट्रिक्स के वॉइस की, जहां पर हमने उन सभी मूवमेंट्स को देखा था जहां पर हमें ओमनीट्रिक्स की आवाजें सुनने को मिली थी। लेकिन इसके अलावा कई और वॉइसेस थी जो मिस हो गई, जो हमने अल्टीमेट्रिक्स और ओमनीमेट्रिक्स में देखा था, और ये सारी आवाजें काफी यूनिक, काफी डिफरेंट और काफी मजेदार थी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इन्हीं वॉइसेस को कि कब कब अल्टीमेट्रिक्स और ओमनीमेट्रिक्स ने क्या क्या बोला था, जो हम बेंटन फैंस अब भूल चुके हैं। तो बस अब वीडियो में बने रहना क्योंकि अब आप कुछ मजेदार देखने वाले हो। अनजान डीएनए मिला है, ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, दोबारा कोशिश कीजिए। ओह नो, तो यार देखो हमारी ओमनीट्रिक्स के वॉइस की अगली जर्नी शुरू होती है अल्टीमेट्रिक्स से, जहां पर जो बैन होता है पहले वो अल्टीमेट्रिक्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करता है जो एल्बिडो के पास थी, और बाद में फिर वापस उस सेल्फ डिस्ट्रक्ट को ऑफ करता है। और यहां पर भी हमें सेम वही वॉइस सुनने को मिलती है जो हमने ओमनीट्रिक्स में सुनी थी। कमांड फंक्शन ओवरराइड, कोड 10 ओवरराइड मंजूर। 0 फटने का सीक्वेंस पूरा हुआ और प्रक्रिया शुरू, ये फट जाएगा T-30 seconds में। तुम झूठ बोल रहे हो, फटने की प्रक्रिया रुको, कोड 10 फटने की प्रक्रिया रुक गई है। और फिर इसके बाद जो हमें अगली वॉइस अल्टीमेट्रिक्स से सुनने को मिलती है वो होती है तब जब एग्रीगोर उन 5 एंड्रोमेडा गैलेक्सी के एलियंस को पकड़ता है, तो तब यहाँ पर उन 5 एलियंस के डीएनए को स्कैन अल्टीमेट्रिक्स करता है, और यहाँ पर हमें 5 बार अल्टीमेट्रिक्स की अलग अलग आवाज सुनने को मिलती है, जहाँ पर पहले वो वाटर हैजर्ड का डीएनए स्कैन करता है, और फिर उसके बाद टेरा स्पिन एंड देन एनआरजी, फिर आर्मन ड्रिलो, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमें एम15 का डीएनए स्कैन करते हुए अल्टीमेट्रिक्स दिखता है। और इन सभी बार हमें अल्टीमेट्रिक्स की आवाज भी सुनने को मिली थी, और वो थी ये, अनजान डीएनए मौजूद है, स्कैन पूरा हुआ। जरा एक मिनट रुको, अनजान डीएनए मिला है। अनजान डीएनए मिला है। और फिर इसके बाद जो हमें अगली अल्टीमेट्रिक्स की वॉइस देखने को मिलती है वो है यहाँ पर जब अल्टीमेट्रिक्स कैमेलियन का डीएनए स्कैन करता है, तो यहाँ पर हमें अल्टीमेट्रिक्स की फिर से आवाज सुनने को मिलती है। एलियन डीएनए स्कैन करके पहचान लिया, मर्लिनी सेपियंस अनलॉक्ड और प्लेलिस्ट 5 पर अवेलेबल। कैसा लग रहा हूं मैं? बोलिए बोलिए। फिर इसके बाद जो हमें अल्टीमेट्रिक्स की अगली आवाज सुनने को मिलती है वो है पृथ्वी से बाहर स्पाइडर मंकी की स्पीसीज अरेक्नाचिम के प्लेनेट पर, और यहाँ पर जब बैन की टीम अरेक्नाचिम की हेल्प करने को जाती है तो यहाँ पर सभी अरेक्नाचिम डीएनए एलियन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, तो यहाँ पर इनकी हेल्प करते हुए हमें 1 या 2 या 3 बार नहीं बल्कि 4 से 5 बार अल्टीमेट्रिक्स की आवाज अलग अलग तरीके से सुनने को मिल जाती है। मैट्रिक्स कोर का रेंज मिला है, वर्जन कोड यूनिट्रिक्स। यूनिट्रिक्स अल्टीमेट्रिक्स डीएनए एलियंस को वापस अरैक्नाचिम्स बनाओ। इस ऑपरेशन के लिए पावर कम है। क्या? अरैक्नाचिम्स का जेनेटिक डैमेज रिपेयर करो। इस ऑपरेशन के लिए पावर कम है। पैरेलल सिग्नल इंटरफेरेंस मिला है, अल्टीमेट्रिक्स रीसेट हो रहा है। ये क्या मजाक है? अल्ट्रा मैट्रिक्स रीसेट बंद करो, कोड 10। ये फंक्शन मौजूद नहीं है। बेकार अल्टीमेट्रिक्स। मैं इसे ऑफ करती हूँ। प्राइमस से लिंक दोबारा जुड़ गया, सभी फंक्शंस उपलब्ध हैं। ये हुई ना बात।
अल्टीमेट्रिक्स का पावर खत्म हुआ, रिचार्ज मोड में जा रहा है। और फिर इसके बाद जो हमें अगली आवाज अल्टीमेट्रिक्स की सुनने को मिली वो थी ये, जब इंस्पेक्टर 13 अर्थ पर आता है तो यहाँ पर हमें अल्टीमेट्रिक्स की आवाज एक बार और सुनने को मिली, जहाँ पर इंस्पेक्टर 13 अल्टीमेट्रिक्स के सारे फंक्शन को हैक कर लेता है। और यही अल्टीमेट्रिक्स की लास्ट आवाज हमें यहाँ पर सुनने को मिली थी। इसके बाद हमें अल्टीमेट्रिक्स की कोई और आवाज पेंटन अल्टीमेट एलियन में नहीं देखने को मिली। तुम कभी भी फायरबॉल 1 हैक हो गया, फायरबॉल 2 हैक हो गया, फायरबॉल 3 हैक हो गया। पर तुम्हें मास्टर कंट्रोल एक्सेस तो मिल ही नहीं सकता। मास्टर कंट्रोल एक्सेस मिल गया है। और फिर इसके बाद शुरू होता है बेंटन ओमनीवर्स। और बेंटन ओमनीवर्स में जो हमने पहली बार आवाज सुनी ओमनीमैट्रिक्स की वो थी यहाँ पर, जब इस एपिसोड में बेन की एज कम हो जाती है और यहाँ पर जो बेन का ओमनीमैट्रिक्स होता है वो हाथ से लटकने लगता है और ओमनीमैट्रिक्स काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ओमनीट्रिक्स का बायोमेट्रिक सिस्टम बेन को पहचान नहीं पा रहा था। पर बेन के लगातार कोड यूज करने पर एक कोड बेन का तुक्का लगता है और फिर उसके बाद बेन ओमनीट्रिक्स को यूज कर पाता है। कोई और पहचान बताइए। मैं हूँ बेंजामिन कर्बी जेनिसन, मैं बेलवुड में रहता हूँ। एरर, बायोमेट्रिक हाथ का निशान बेन टेनिसन से मैच नहीं करता। इसलिए क्योंकि मैं फिर से 11 का बन गया। तुम चाहते क्या हो? मुझे साकुरा चिली फ्राइज पसंद है और मुझे पीकॉक से डर लगता है। पहचान मिल गई, शुक्रिया। और फिर इसके बाद जो हमें अगली वॉइस ओमनीमैट्रिक्स की देखने को मिली वो थी ये, जब ओमनीमैट्रिक्स रेंडमाइजेशन मोड पे चली जाती है। रैंडमाइजर फंक्शन एक्टिवेट हो गया। रैंडमाइजर फंक्शन, ये क्या? और फिर इसके बाद जो अगला सीन आता है वो है ये, जहाँ पर जो ओमनीमैट्रिक्स है उसको एक नया एलियन डीएनए फॉर्म मिलता है। नए जीव का अंश मिला है। कहाँ? पृथ्वी की सतह पर है। डीएनए एनालिसिस और कोड एक्विजिशन हो रहा है। दूरी ज्यादा होने की वजह से एक्विजिशन नाकामयाब। 30 सेकंड में ओमनीट्रिक्स काम करना बंद कर देगा। 29, 28। नए जीव का डीएनए एनालाइज हो गया। एक्विजिशन पूरा हुआ। पीछे हटो हॉबल। और फिर इसके बाद जो हमें आखिरी और फाइनल आवाज ओमनीमैट्रिक्स की सुनने को मिली वो थी ये, जहाँ पर जब बेन ओमनीट्रिक्स को अनलॉक करता है। और ये वाला सीन बाकी सभी सीन से थोड़ा सा डिफरेंट था। हो गया क्या? अनलॉक कोड मंजूर। हो गया क्या? अनलॉक कोड मंजूर। नहीं, मेरा मतलब था। तो ये थे बेंटन के ओमनीट्रिक्स के वो सभी वॉइसेस जो हमें आज तक बेंटन में सुनने को मिला है, फिर चाहे वो ओमनीट्रिक्स हो, अल्टीमेट्रिक्स हो या फिर ओमनीमैट्रिक्स, ये सभी वो वॉइस थे जो हमने आज तक ओमनीट्रिक्स से सुना है, जिसे मैंने आज आपको दिखा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अभी भी कोई डाउट अगर आपके मन में है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर मैं कोई ओमनीट्रिक्स की वॉइस भूल चुका हूँ तो मुझे वो भी नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं बेंटन के ऐसी किसी नई और इंटरेस्टिंग से किसी नई वीडियो के साथ। तो तब तक टेक केयर एंड बी सेफ। Thanks.